गहलोत सरकार के लिए भाजपा युवा मोर्चा ने किया सदबुद्धि यज्ञ, कहा सरकार पैसों का कर रही है दुरुपयोग। अशोक गहलोत होश में होकर लगाए नारे। गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आज भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट पर सदबुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा उपस्थित हुए। गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी गई। इनका कहना है कि गहलोत सरकार में महाराणा प्रताप का पाठ किताबों से हटाया जा रहा है, हर जगह राहुल गांधी की तस्वीरें लगाई जा रही है, सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए आज गहलोत सरकार को सद्बुद्धि मिले इसलिए ये यज्ञ और प्रदर्शन किया गया है। आज मैंने व्यक्तिगत स्तर पर आहत होकर न केवल मुख्यमंत्री के मंत्रियों के बयान अपितु मुख्यमंत्री के दोहरे चरित्र के ऊपर आघात होकर इस प्रकार का सद्बुद्धि यज्ञ किया है कि ये जो दोहरे मापदंड की सरकार और खास करके मुख्यमंत्री जो दोहरे मापदंड की सरकार चला रहे हैं कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ कैबिनेट में निर्णय लिया जाता है कि इस देश के नहीं इस राजनीति को एक अर्थ राजनीति का देने वाला है। पंडित दीनदयाल जी के योजनाओं के चित्र वो हटाए जा रहे हैं, और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के मार्फत से पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर वो किस दोहरे चरित्र से कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पंडित दीनदयाल जी के योजनाओं में से फ़ोटो हटाए जाएंगे, और आपके मार्फत मैं पुनः दिखाना चाहता हूँ कि सरकारी 32 के 32 सरकारी जिलों के अंदर सरकारी हेडक्वार्टर्स पे और तो और मुख्य प्रत्येक उस ग्लो साइन बोर्ड पर जहाँ पर भी PRO जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो जो फोटो में निकालता है उसके अंदर राहुल गांधी की फ़ोटो दिखाई जा रही है। इस जगह अगर देश के पहले प्रधानमंत्री महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, इस तरह के कोई कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की फोटो होती तो भी एक बार राजस्थान की जनता सहज रूप से स्वीकार कर लेती, लेकिन चाटुकारिता की और चापलूसी की हदें पार करते हुए इस आधार पर उन्होंने राहुल गांधी की फोटो दिखाई है जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। और मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मान सम्मान और स्वाभिमान के ठेस पहुँचाने का काम इस राहुल गांधी इस अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है, राहुल गांधी की सरकारी विज्ञापनों में फोटो डालकर, राहुल गांधी हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपके मार्फत से, क्या वो एक ब्रांड एम्बेसडर हैं गवर्नमेंट के? वो राजस्थान के बोनाफाइड सिटीजन हैं? वो राजस्थान के कैबिनेट के मंत्री हैं? वो क्या हैं? और वो क्या है इस राहुल गांधी जो राहुल गांधी सरकारी प्रमाइसेस के अंदर, सरकार कोई कांग्रेस की नहीं है, सरकार राजस्थान की है, राजस्थान की जनता द्वारा चुनी गई है। हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस के नुमाइंदे सरकार में बैठे हों, लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे सरकार में बैठेंगे इसका ये मतलब नहीं होता कि कांग्रेस सरकार का कांग्रेसीकरण होगा। राजस्थान अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ मित्रों कि इस बात को आप जन जन तक जाएं। आप लोगों के जन हर जगह पे आपके करस्पॉन्डेंट हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से आरोप लगाता हूँ कि किसी भी जिला हेडक्वार्टर पे जाके देख लीजिए जहाँ इस प्रकार की LED स्क्रीन है, अगर वहाँ राहुल गांधी का चित्र नहीं हो और वहाँ राहुल गांधी का महिमा मंडन नहीं हो तो मैं आपका गुनहगार हूँ, और अगर है तो राजस्थान की सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, राष्ट्रपति को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और इस प्रकार के सरकारी दुरुपयोग खर्च का दुरुपयोग हम सहन नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी लोगों भाइयों से कि अगर कोई न्यायाधिपति या चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान यदि अगर मेरी ये बाइट कहीं देख लें, खुदा ना खास्ता अगर ये विजुअल आपके पास आए तो इसको एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानकर, जनहित याचिका मानकर इसके ऊपर सुमोटो कॉग्निजेंस लें और कांग्रेस से पूछें कि किस आधार पर हर सरकारी विज्ञापन के अंदर जिला केंद्रों के ऊपर राहुल गांधी का किया जा रहा है, और इसी आधार पर आज हमने राहुल गांधी के अशोक गहलोत जी के लिए निश्चित तौर पर मैं तो करूँगा ही, मैं खुद तो करूँगा ही, मैं तो एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ एक पार्टी का, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैं आहत हूँ राजस्थान के नागरिक के तहत, क्योंकि राजस्थान की सरकार है, ये मेरी भी सरकार है, और मेरी सरकार में मेरा विचार चले कि राजस्थान सरकार की नीति चले, लेकिन व्यक्ति विशेष का प्रचार राजस्थान सरकार राजस्थान का नागरिक ये मैं इस प्रकार से सहन नहीं करेगा, और इसीलिए आज ये सद्बुद्धि का यज्ञ किया गया।